हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सी लर्नोपीडिया। कैसे आप सब? मैं आपके लिए लेकर आया हूँ आज के यानी 2 और 3 अक्टूबर के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे तो जाकर जरूर देखेगा और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को भी अंत तक देखिए ताकि आपको नई नई चीज़ें सीखने को मिले और आपके एग्जामिनेशन की जो प्रिपरेशन है वो और भी बेहतर तरीके से होती रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले न्यूज़ से। आज की पहली न्यूज़ है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सफारी। देखिए, दुनिया की लार्जेस्ट जंगल सफारी जो है वो हिंदुस्तान में बनने जा रही है। 10,000 एकड़, याद रखिए कितना बड़ा है ये, 10,000 एकड़ के जगह पर ये बन रही है हरियाणा में। ठीक है, तो याद रखिएगा हरियाणा। वर्ल्ड की लार्जेस्ट जंगल सफारी कहां पर बन रही है? हरियाणा में बन रही है। इसको बनाने के लिए जो है मेहनत कौन कर रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज की मिनिस्ट्री जो है वो बनवा रही है हरियाणा में वर्ल्ड की लार्जेस्ट जंगल सफारी। और क्योंकि ये अरावली एरिया में है तो यहाँ को मैनेज जो करेगा वो फाउंडेशन का नाम है अरावली फाउंडेशन। अरावली फाउंडेशन ये गुरुग्राम के आसपास के एरिया को कवर करेगी। यहाँ पर आपको अलग अलग तरीके की चीज़ें मिलेगी। ठीक है, जैसे एग्जॉटिक एनिमल्स एंड बर्ड्स जो सिर्फ यहीं पर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको बॉटनिकल गार्डन की सुविधा मिलेगी। बॉटनिकल गार्डन, टूरिज्म यहाँ से बढ़ेगा, यहाँ से आपका एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। ठीक है, 10,000 एकड़ की ज़मीन पर अगर कुछ बन रहा है तो वहाँ पर उसको इस्तेमाल करने के लिए, वहाँ पर उसके देखरेख करने के लिए, मैनेज करने के लिए आपको स्टाफ लगेगा। बहुत सारी चीज़ें हैं, इनका कहना है कि टूरिज़्म को तो इससे बढ़ावा मिलेगा ही मिलेगा, साथ साथ मिलेगा एम्प्लॉयमेंट भी। तो हरियाणा से आप याद रख सकते हैं कि हरियाणा के सीएम कौन है? हरियाणा के सीएम है मनोहर लाल खट्टर साहब, मनोहर लाल खट्टर। और हरियाणा के जो गवर्नर है, हरियाणा के गवर्नर ये कौन है? ये है बंडारू दत्तात्रेय, दत्तात्रेय। ठीक है, तो ये नाम आप याद रखेंगे। चलिए अगली न्यूज़ पे चलते हैं। एक नई बुक रिलीज हुई है, लता अ लाइफ इन म्यूजिक। देखिए, नई किताब तो है नहीं ये, वैसे पुरानी किताब है। हिंदी की किताब को क्या किया गया है? इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है। लता जो है, लता मंगेशकर जी के नाम पर ये किताब रखी गई है। ठीक है, जिसका हिंदी वर्जन जिन्होंने लिखा था उनका नाम है यतेंद्र मिश्रा, हिंदी के फेमस पोएट है यतेंद्र मिश्रा। ठीक है, इन्होंने ये किताब हिंदी में लिखी थी जिनका नाम था लता सुर गाथा। ये लता जी की क्या है? बायोग्राफी है, जिसमें उनकी जर्नी के बारे में लिखा गया है, उनके पूरे जो है लाइफ टाइम के बारे में लिखा गया है। उसके बाद इसी को अब इंग्लिश में लाया गया है, लता अ लाइफ इन म्यूजिक। इसको पेंगुइन रैंडम हाउस रिलीज करेगा और इसको किसने लिखा है? ईरा पांडे ने। और ये 93rd, उनका लता जी का 93rd बर्थडे 28 सितंबर को था, उस दिन इन्होंने क्या किया है, इसको रिलीज किया है। किसने रिलीज किया है? पेंगुइन रैंडम हाउस ने। और लता जी के बारे में आप जान सकते हैं कि इसी साल 6 फरवरी 2022 को क्या हुआ, उनका निधन हो गया 92 ईयर्स में। और लता मंगेशकर जो है, इन्होंने बहुत इंडिया को कंट्रीब्यूट किया है उनके आर्ट्स के साथ। और 2001 में इसीलिए हमने इनको क्या दिया था? भारत रत्न दिया था। इसी के साथ साथ हम इनको पहले भी 1969 में पद्म भूषण और 1999 में पद्म विभूषण दे चुके हैं। ठीक है, चलिए अगले न्यूज़ पे चलते हैं। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। देखिए, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स का मतलब है कि वर्ल्ड में कौन सी ऐसी कंट्री है जो इनोवेटिवली काम कर रही है अपने एडमिनिस्ट्रेशन में, साथ साथ अपनी इकोनॉमीज में। तो इस बार इंडिया के लिए बहुत बड़ी बात इसलिए है क्योंकि फर्स्ट टाइम 2022 में इंडिया क्या कर रही है? टॉप 40 में वर्ल्ड इनोवेशन इंडेक्स में, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के टॉप 40 रैंक में इंडिया का नाम आया है। इससे पहले 2020 में हम टॉप 50 में एक बार आ चुके हैं। ठीक है, टॉप 50 में आ चुके हैं, बट टॉप 40 में हम पहली बार आ रहे हैं 2022 में। और यहाँ पर पहली बार इस तरीके का घटना हमारे साथ घट रही है, इसलिए बहुत हमारे लिए प्राउड मोमेंट यहाँ पर है। वर्ल्ड ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जो बनाता है, ठीक है, जो ऑर्गेनाइजेशन इसको रिलीज करती है वो है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? विपो। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। और इन्होंने कहा है कि सबसे ज़्यादा इनोवेटिव इकोनॉमीज जो है वो कहाँ की देखी जाती है? वो देखी जाती है स्विट्जरलैंड की, उसके बाद यूएसए की और स्वीडन की। ठीक है, और यहाँ पर विपो से भी आप चीज़ें ध्यान रख सकते हो कि विपो जो है वो 1967 में बना था। स्विट्जरलैंड में इसके हेडक्वार्टर है, स्विट्जरलैंड जेनेवा में इसके हेडक्वार्टर्स है। और यहाँ के जनरल कौन है? जनरल है डेरेन टैंग। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए विपो से रिलेटेड और ग्लोबल इनोवेशन से रिलेटेड, जहाँ पर इंडिया पहली बार टॉप 40 में शुमार हुआ है।
चलिए अगले इस पे चलते हैं, एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी अवार्ड। एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी अवार्ड सबसे पहले तो ये देता कौन है, ये देता है एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल। एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल ये जो है सिविल एविएशन में सबसे बड़ी अथॉरिटी है इंटरनेशनली, ठीक है। जैसे इंडिया में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, वैसे ही एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल क्या है, वर्ल्ड लेवल पर काम करती है। इन्होंने एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी अवार्ड किसको दिया है, ये दिया है कोची एयरपोर्ट को। कोची एयरपोर्ट जो है, कोची इंटरनेशनल एयरपोर्ट, उसको क्या मिला है, एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी अवार्ड मिला है। और ये ग्लोबल एविएशन सेक्टर में सबसे हाईएस्ट अवार्ड है, मतलब इससे ऊपर अवार्ड आपको मिलता नहीं है। तो ये अवार्ड मिलना किसी भी एयरपोर्ट के लिए बहुत ज़्यादा गर्व की बात होती है। तो वो किसको मिला है इस बार, कोची एयरपोर्ट को मिला है, क्योंकि पैंडेमिक के टाइम पे कोची ने ना मिशन सेफ गार्डिंग ये लॉन्च किया था, ताकि क्या हो कि सब जो है अपने आप बराबर घर पर पहुंच सके। एक तरीके से आप सोशल डिस्टेंसिंग भी मैनेज कर रहे हैं, आप जो है कोविड को भी बढ़ाना नहीं चाहते, और साथ साथ आप जो है लोगों को सुविधा भी प्रोवाइड करना चाहते हैं। तो उसके लिए ये एक मिशन आया था, और जिसको कोची एयरपोर्ट ने बहुत बढ़िया तरीके से निभाया है, और इस वजह से उनको यहाँ पर ASQA से जो है नवाजा गया है। इसी के साथ विंग्स इंडिया ने भी जो है मार्च 2022 में, ठीक है, इसी साल 2022 में मार्च में क्या किया था, इन कोची एयरपोर्ट को कोविड चैंपियन करके एक अवार्ड दिया था। तो याद रखिएगा कि कोविड चैंपियन अवार्ड भी किसको मिला था, कोची एयरपोर्ट को ही मिला है। और अब जाकर जो है एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी अवार्ड भी किसको मिला है, कोची एयरपोर्ट को ही मिला है। चलिए अगले इस पे चलते हैं, सुनील गावस्कर रिसीव्ड अवार्ड फ्रॉम स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया। स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया ये जो है, इसके बारे में पहले बता दूं कि 1976 फरवरी में ये बना था, ठीक है। कहां पर बना था, ईडन गार्डन कोलकाता, यहां पर ये बना था। इन्होंने अभी रिसेंटली क्या किया है, गोल्ड मेडल से नवाजा है सुनील गावस्कर साहब को। और सुनील गावस्कर जो हमारे पूर्व कप्तान रह चुके हैं, इंडिया के लिए खेल चुके हैं, वर्ल्ड कप हमारे लिए लेकर आ चुके हैं, गोल्ड मेडल उनको दिया गया है। यहां पर जब गोल्ड मेडल दिया जाता है तो उनको साइटेशन दिया जाता है, और साथ साथ क्या दिया जाता है, लाइफ टाइम मेंबरशिप दिया जाती है, लाइफ ऑनररी एक लाइफ मेंबरशिप यहाँ पर आपको प्रोवाइड की जाती है। और यही प्रोग्राम में क्या किया है, रवि शास्त्री साहब को, जो हमारे पूर्व प्लेयर और कोच भी रह चुके हैं, इनको क्या किया गया है, इनको जो है इनका भी फेलिसिटेशन किया है, और साथ साथ इनको भी लाइफ टाइम मेंबरशिप दी है ऑनररी। तो याद रखिएगा साथ साथ कौन है, रवि शास्त्री, बट गोल्ड मेडल किसको मिला है, सुनील गावस्कर को। चलिए अगले इस पे चलते हैं, सिक्स एयरबैग रूल। देखिए पिछले साल जो है हमारे जो रोड मिनिस्टर ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट है, ठीक है, इन्होंने और हाईवेज, रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, इन्होंने क्या किया था, मतलब नितिन गडकरी साहब ने, इन्होंने बोला था कि हम लोग क्या करेंगे, गाड़ियों में सिक्स एयरबैग रूल जो है अक्टूबर 2022 तक लेकर आ जाएंगे, ठीक है। अक्टूबर 2022 तक सिक्स एयरबैग रूल का मतलब है कि मैंडेटरीली अगर आपकी गाड़ी क्या है, 8 सीटर है, ठीक है, 8 सीटर आपकी गाड़ी है, तो 6 एयरबैग्स आपको लगाने पड़ेंगे एटलीस्ट। और ये मैंडेटरी होगा, क्योंकि हम लोग क्या चाह रहे हैं, ड्राइवर के साथ साथ जो है पैसेंजर जो उसमें ट्रैवल कर रहे हैं, उन लोगों के भी सेफ्टी को हम लोग ध्यान यहाँ पर रखना चाहते हैं। और इस वजह से ही हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर अक्टूबर 2022 तक की ये लेकर आएंगे। बट अब क्या हुआ है, उन्होंने कहा है कि हमारे पास इतनी सप्लाई चेन है ही नहीं कि हम लोग अभी ये लेकर आ पाए, तो हम लोग 1 साल के लिए इसको डिफर कर रहे हैं। और ये जो रूल है अब अक्टूबर 2023 से हम लोग मैंडेटरीली सबके लिए लागू करेंगे, अभी ऑप्शनल है, ठीक है। इसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो क्या कहता है, ये कहता है कि इंडिया में 1.55 लाख लोग, ठीक है, ये हर साल में, मतलब पिछले साल क्या हुआ है, रोड एक्सीडेंट में या रोड एक्सीडेंट के शिकार हुए हैं, जिसका मतलब होता है कि 426 डेथ क्या होती है, डेली होती है, और 18 डेथ क्या होती है, हर घंटे यहाँ पर हमारे देश में होती है। किस वजह से, रोड एक्सीडेंट की वजह से, और जिसको हम लोगों को कम कर रहे हैं, इसलिए हम चाह रहे हैं कि सिक्स एयरबैग रूल लाए, ताकि सेफ्टी जो है वो बनी रहे। वैसे ही एक रिपोर्ट है रोड एक्सीडेंट इंडिया की जो क्या कहता है कि इंडिया में 11% एक्सीडेंट इस वजह से होते हैं क्योंकि उन्होंने सीट बेल्ट नहीं पहनी होती, इस वजह से उनकी डेथ हो जाती है। 11% ऐसी डेथ होती है जो इस वजह से हुई है कि भैया सीट बेल्ट नहीं पहने हैं, दिक्कतें इस वजह से हो गई है, तो सीट बेल्ट पहनना भी ज़रूरी है। चलिए नेक्स्ट इस पर चलते हैं, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। ये न्यूज़ में क्यों है ये मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन क्या है, ये ध्यान से समझ लीजिए।
ये जो है एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी का मतलब होता है ऐसी जो भी बॉडी जो किसी एक्ट के अंडर में बनाई गई हो, ठीक है। इसको कब बनाया गया था, 31 जनवरी 1992 में इसको बनाया गया था। इसका काम क्या है, इसका काम है गवर्नमेंट को एडवाइस करना विमेन मैटर में, ठीक है, विमेन रिलेटेड जो भी मैटर है उसमें गवर्नमेंट को जो है एडवाइस करने का काम किसका है, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के लिए। वुमेन की जो भी वॉइस है, मतलब उनकी आवाज़ जो है, उनका इशू जो है, उनके कंसर्न्स जो है, ठीक है, जो भी उनको तकलीफें हैं, उनको कोई आइडियाज आ रहे हैं, ये सारी चीज़ें अगर गवर्नमेंट तक पहुंचानी है तो वो काम कौन करेगा, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन करेगा, ठीक है। और ये अब न्यूज़ में इसलिए क्योंकि इनकी फर्स्ट चेयरपर्सन जो थी जिनका नाम था जयंती पटनायक, जो 1992 में पहली बार जब क्या बना था, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, तो उसकी फर्स्ट चेयरपर्सन जो बनी थी जयंती पटनायक, इनका रिसेंटली क्या हो गई है, डेथ हो गई है, इनका निधन हो चुका है, और इस वजह से ये नेशनल कमीशन फॉर वुमेन न्यूज़ में था। जयंती पटनायक को आप उसी के नाम से जानते हैं कि वो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की चेयरपर्सन थी, ठीक है। इसी से आप याद रख सकते हैं इनकी प्रेजेंट चेयरपर्सन कौन है, जो अभी है वो है रेखा शर्मा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इस पे चलते हैं, अगली न्यूज़ है 2 अक्टूबर को हम लोग गांधी जी और शास्त्री जी की जयंती मनाते हैं, तो इनके बारे में मैं आप लोगों को कुछ बता देता हूँ कि गांधी जी के बारे में हम लोग पहले पढ़ लेते हैं, ठीक है, फिर मैं आपको शास्त्री जी के बारे में भी बताता हूँ। गांधी जी जो है इनका जन्म पोरबंदर में हुआ है, फादर ऑफ आर नेशन भी इनको कहा जाता है, फादर ऑफ द नेशन, ठीक है। इनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी है। उसके बाद आप यहाँ पर ध्यान रख सकते हैं कि यूनाइटेड नेशन ऑफ जनरल असेंबली, ये जो है इन्होंने ही 2007 में कहा था कि हम लोग क्या करेंगे, इसी दिन इंटरनेशनल डे फॉर नॉन वायलेंस मनाएंगे, इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस। नॉन वायलेंस जो है गांधी जी का हथियार था, ठीक है, वो मोस्टली यूज करते थे ट्रुथ और नॉन वायलेंस, इसी के लिए वो जाने जाते हैं, ठीक है। और इसीलिए यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने कहा है कि हम लोग को अगर नॉन वायलेंस का कोई डे मनाना है तो इससे बेटर डे नहीं हो सकता। तो अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस कब मनाया जाता है, तो आप लगाओगे 2 अक्टूबर को ही ये मनाया जाता है, ठीक है। इनका जो मेमोरियल है वो है राजघाट, ठीक है, राजघाट पर यहाँ पर इनकी समाधि है, ठीक है। उसके बाद एक चीज़ आप ध्यान रख सकते हैं कि इन्होंने एक ऑटोबायोग्राफी लिखी है, ठीक है, जिसका नाम है माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, ठीक है। उसके बाद शास्त्री जी पे आता है, शास्त्री जी के बारे में बताता हूँ मैं आपको कि शास्त्री जी जो है वो इनका भी जो बर्थ है वो 2 अक्टूबर को ही हुआ है, ठीक है। इनका बर्थ, एक सेकेंड, ये पेन चलना बंद हो गया है, ज़रा एक सेकेंड दीजिए मुझे। गांधी जी जो है, ठीक है, सॉरी शास्त्री जी चल रहा है, शास्त्री जी जो है इनका भी जन्म कब हुआ है, 2 अक्टूबर को ही हुआ है। इनका जो मेमोरियल है वो है विजय घाट, जैसे उनका राजघाट था, इनका क्या है, विजय घाट है, ठीक है। ये इंडिया के सेकंड प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, कहाँ, 1964 से लेके 1967 तक, 1964 से 1966 तक से, और इसी के वजह से उनको जब उनकी डेथ